नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के चैनल पर जिसका नाम है न्यू डिजाइन स्टेशन। आज का जो ये वीडियो है ये प्रीमियम प्रो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में हम बताने जा रहे हैं ये ट्यूटोरियल कि कैसे आप अपने बैकग्राउंड को ब्लर रखें जब आप टेक्स्ट लिखते हैं। और ये काफ़ी यूज किया जाता है, काफ़ी जब आप एड वीडियो में यूज किया जाता है, रील्स वीडियो में यूज किया जाता है कि जब आप अपने टेक्स्ट को लाते हैं तो आपका बैकग्राउंड ब्लर हो जाए और जब आप अपने टेक्स्ट को हटाते हैं तो आपका बैकग्राउंड जो ब्लर है या आप जो खुद है फुटेज के पीछे वो आपका क्लियर हो जाए। तो इसी से रिलेटेड आज का ये वीडियो है और चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे इस ट्यूटोरियल को करते हैं। तो आइए स्क्रीन पे, हमारे पास जो स्क्रीन पे अभी सामने में जो हमने फुटेज ले रखा है वो एक कार का वीडियो है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक टेक्स्ट लेंगे जो हम जाएंगे फाइल में न्यू और लेगेसी टाइटल और उसके बाद इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद हम यहाँ टाइटल है देख रहे हैं आप टाइप टू, इसको हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे न्यू डिजाइन स्टेशन। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस फॉर्मेट में आपको सेंटर करना है और इस फॉर्मेट में सेंटर करना है। ठीक है, सेंटर कर लिया, सिलेक्शन टूल। अब ये पीछे हल्का वाइट है, इसकी हल्की सी विजिबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम क्या करेंगे, शैडो पे क्लिक करेंगे और इसको 100% कर देंगे 1। और थोड़ा सा हम क्या करेंगे, आउटर पे जाके क्लिक करेंगे नाउ। अब देखिए, अब ये ज़्यादा अच्छे से विजिबल हो रहा है। आउटर स्ट्रोक जो हमने लिया है वो हमने 10% ही लिया है तो उसमें ज़्यादा मत कीजिएगा ना, तो वो दूसरे तरह का लुक आ जाता है, तो इसलिए अभी उस पर नहीं जाना है। हमने टेक्स्ट ले लिया है, हमारा पार्ट वन जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हम कहाँ जाएंगे, प्रोजेक्ट में। प्रोजेक्ट में जाने के बाद हमने टेक्स्ट ले लिया, अब हम इसको मिडिल में कर देते हैं क्योंकि हमें दिखाना है कि जब अभी ये हमारा जो आप देख रहे हैं जो कार जा रही है ये ब्लर नहीं है, मगर जैसे ही टेक्स्ट आएगा तो ये ब्लर हो जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक सी यानी रेजर टूल, एक कट यहाँ लगाना है और दूसरा कट हमें लास्ट में यहाँ लगाना है। दो कट हमने लगा दिया स्टेप टू। ओके, स्टेप वन में आपका था फॉन्ट, स्टेप टू में आपका जो है कट है। अब तीसरा क्या करना है, आपको जाना है इफेक्ट में जाके आपको लिखना है ब्लर। ठीक है, ब्लर लिखेंगे तो आपको यहाँ फास्ट ब्लर इन दिख रहा होगा। ठीक है, वैसे आप यहाँ पे गॉजियन ब्लर, ये बहुत सारे ब्लर है, कोई भी आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए हम गॉजियन ब्लर लेके चलते हैं। हमने गॉजियन ब्लर यहाँ पे लगाएंगे लेकिन ये एज ए ट्रांजिशन काम नहीं करेगा। ठीक है, आप एक चीज़ समझ लीजिएगा कि ये ट्रांजिशन के तौर पर नहीं होता, आपके लिए इफेक्ट है, याद रखिएगा। अंतर हम आपको बताने के लिए थोड़ा सा क्लियर कर रहे थे, अब हम आते हैं आपको गॉजियन ब्लर में, क्योंकि ये हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं जबकि और जो ब्लर होता है वो अपने आप से बना हुआ रहता है, वो खुद अपना टाइम देख के चेंज कर लेता है। ठीक है, अपने हिसाब से वो सब एक तरह से प्रीसेट बना हुआ है, कोई फास्ट थीन है जो स्टार्टिंग में ब्लर करता है, कोई एंड में करता है, तो अपना सबका ब्लर का एक फॉर्मेट बना हुआ है, उस हिसाब से वो ब्लर करता है। तो इसलिए हम गॉजियन ब्लर लेते हैं क्योंकि ये ब्लर बना हुआ नहीं होता, इसको हम लोग अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पर ब्लर लगा दिया है, अब हमारा जो सेकेंड पार्ट क्या करना है, हमें क्या करना है, ये हमने लगा दिया, अब हम इसको अपने हिसाब से देख के, इतना ब्लर काफ़ी आई थिंक। ठीक है, हमने इतना ब्लर कर लिया और हम क्या करेंगे, अब ये देखिए यहाँ ऊपर जहाँ तक लिखा है यहाँ, ठीक है, यहाँ से हट गया और ये ब्लर यहाँ से हट रहा है। अब हमें ये जो कट है, इस कट में हमें राइट क्लिक करके अप्लाई डिफॉल्ट ट्रांजिशन यूज करेंगे और इसको थोड़ा सा छोटा करके इतना तक कर देंगे। सेम यही यहाँ भी हम इस तरह से लास्ट में भी अप्लाई डिफॉल्ट ट्रांजिशन करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, कुछ सीखे हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं आपसे एक अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए गुड नाइट।